क्या हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्लस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की उसके बारे में डील करेंगे। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है नर्सिंग प्रैक्टिस की। एक्चुअली नर्सिंग प्रैक्टिस होता क्या है, जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं या जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो भी प्रैक्टिस या जो भी मेथड्स या जो भी मतलब वो वर्क करते हैं जिस भी मेथड्स का यूज करके या जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सारी प्रैक्टिस के अंदर आती है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस डिफाइंड एज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो नर्सिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो भी नर्सिंग पर्सनल्स हैं उनका काम है डायग्नोसिस करना एंड ट्रीटमेंट करना वैसे लोगों का जो एक्चुअली में इल हैं या एक्चुअली में उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है इलनेस की वजह से या किसी डिजीज की वजह से। नेक्स्ट कह रहा है सच मींस एज केस फाइंडिंग हेल्थ टीचिंग एंड काउंसलिंग। और ये कैसे कर सकते हैं, वो जो भी डायग्नोसिस करेंगे या उनका असेसमेंट करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, जो भी उनका मतलब हेल्थ असेसमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, उनका हिस्ट्री लेते हैं प्लस में उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए उनको टीचिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग देते हैं ताकि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल को या पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के। इसमें पहला कह रहा है नर्सिंग प्रैक्टिस रेस्पेक्ट्स द डाइवर्सिटी एंड ये क्या करता है कि जो भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमारे कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी विविधताएं हैं यानी कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज या जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल या मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी हैं विविधताएं हैं उन सबको मतलब ये क्या करता है, उन सब की रेस्पेक्ट करता है यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए वो जो भी सर्विसेज या केयर प्रोवाइड करता है वो अच्छा सर्विस या अच्छा केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इज इंडिविजुअलाइज टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ द पेशेंट। और ये क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो भी नीड्स है हेल्थ केयर्स की उसको वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फैमिली ग्रुप और कम्युनिटी। इंडिविजुअल को भी वो जो उनकी हेल्थ नीड्स है उनको प्रोवाइड कराता है प्लस में कम्युनिटी को या फैमिली ग्रुप है हो। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि नर्सिंग का मतलब जो मेन उद्देश्य होता है इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप या कम्युनिटीज लेवल पे या सोसाइटी को, मतलब इनका जो जो इनका हेल्थ प्रोवाइड करने का जो एक एरिया है वो डाइवर्स है यानी कि बहुत दूर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक ही जगह पर सीमित है, केवल एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो केयर प्रोवाइड करते हैं, नहीं, उनका जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का एरिया है वो फैमिली ग्रुप को भी हो सकता है, एक फैमिली ग्रुप फैमिली के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना या अगर किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स चला आ रहा है तो उसके बारे में लोगों को गाइड करना टीच करना, तो ये एक फैमिली ग्रुप को हम थेरेपी दे रहे हैं या केयर दे रहे हैं ना। नेक्स्ट हो सकता है हम कम्युनिटी लेवल पे जो भी नर्सिंग पर्सनल्स काम करते हैं तो इनका जो ये सर्विस है वो डाइवर्सिफाइड है यानी कि अलग अलग लेवल्स पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है ऑल दीज हेल्थ केयर कंज्यूमर्स एंड द मेन फोकस ऑफ अटेंशन फॉर द रजिस्टर्ड नर्स। एक रजिस्टर्ड नर्स के लिए ये जितने भी सारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स का मतलब जो जिनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो हेल्दी भी हैं, जिनको भी हम केयर या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी हेल्थ कंज्यूमर्स हुए हैं। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड नर्स का काम है कि वैसे जो भी हेल्थ कंज्यूमर्स हैं उनको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो चाहे इंडिविजुअल हो या फैमिली ग्रुप हो या सोसाइटी हो या कम्युनिटी हो वैसे लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दूसरा पॉइंट, द नर्सेस एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन विद इन हेल्थ केयर टीम पर्सन एंड सपोर्ट सिस्टम। यानी कि एक नर्स को एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखना होता है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है किसके बीच में, एक पेशेंट और नर्स के बीच में प्लस उसके अलावा क्या हो सकता है जो भी उनके साथ हेल्थ वर्कर्स हैं यानी कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन या एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके वो बेटर केयर को प्रोवाइड कर पाती हैं यानी कि बेहतर केयर दे पाती हैं किसको, जो भी क्लाइंट है या जो भी इंडिविजुअल है उसके लिए। ठीक है, इसमें कह रहा है नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड रीच द गोल ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर।
जैसा कि मैंने बताया कि उनको जो भी क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए नीड्स है वैसा वो कौन प्रोवाइड करता है और कैसे बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अगर हम कोऑर्डिनेशन अच्छा रखते हैं अपने ग्रुप में, यानी कि जो भी हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या पेशेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो वो भी हमें अपना प्रॉब्लम अच्छे से बता पाएंगे और प्लस में हम भी उसका बेहतर केयर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल नर्सिंग प्रमोट्स हीलिंग इन सच अ वे दैट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन नर्स पेशेंट, केयरिंग फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज एंड पॉपुलेशन इज द की फोकस ऑफ नर्सिंग। जैसे ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट लगभग सेम है, इसमें भी यही कह रहा है कि उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको हम ईजिली हील कर पाएँ, यानी कि ईजिली उनको हम सॉल्व कर पाएँ। और एक केयर नर्सिंग मतलब जो भी रजिस्टर्ड नर्स हैं उनका मेन फोकस होना चाहिए सेंटर ऑफ केयर, यानी कि जो भी उनका मेन फोकस होना चाहिए, केयरिंग इज द सेंटर ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस का मेन फोकस होता है केयरिंग, यानी कि जो भी नर्सिंग पर्सनल्स हैं उनका मेन फोकस होना चाहिए कैसे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नर्सेस यूज नर्सिंग प्रोसेस टू असेस डायग्नोस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, यानी कि जो भी नर्सिंग पर्सनल्स होती हैं या जो भी रजिस्टर्ड नर्स होती हैं वो नर्सिंग प्रोसेस का यूज करती हैं। किस लिए? ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें, जो भी पेशेंट आ रहा है उनका प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें, उसके लिए वो प्रॉपर गोल सेट कर सकें, प्रॉपर उसके लिए प्लानिंग सेट कर सकें कि हमें कैसे कैसे ट्रीटमेंट देने हैं या कैसे कैसे केयर देने हैं ताकि वो ईजिली रिसॉल्व हो सकें उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये पॉइंट हमारा कहता है कि नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करना है, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इवेल्युएट द केयर, क्रिटिकल थिंकिंग अंडरलाइज ईच स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो भी हम नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स को यूज करेंगे, जैसे असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, गोल होगा, तो उन सब को हमें क्रिटिकली थिंक करके, यानी कि हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हुए उन सब चीज़ों को हम एक एक करके फॉलो करेंगे ताकि सबका मेन एक ही फोकस है कि हम बेहतर केयर जो भी पेशेंट है क्लाइंट है उसको प्रोवाइड करें। तो ये सब कैसे हो सकता है, प्रॉपर हम नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नर्सिंग प्रैक्टिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द प्रोफेशनल वर्क एंड एनवायरमेंट टू प्रोवाइड ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड टू अचीव ऑप्टिमल आउटकम्स। एक जैसे नर्सिंग प्रैक्टिस है उसका मतलब इंटरपर्सनल लिंक होना चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए हमारे पेशेंट के, जैसे हम नर्स हो गए, एज ए नर्स हमारे और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए जिसके वजह से हम क्या कर सकें, बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकें किसको, जो भी क्लाइंट या पेशेंट है उसको, और उनको क्या कर सकें, ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। वही बात है, बेहतर केयर या ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ केयर हम उनको प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपने ऑप्टिमल हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर पाएँ और या गेन कर पाएँ अपने पुराने कंडीशन को या अपने हेल्थ के पहले वाले कंडीशन को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डील किया, नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होता है, प्लस में उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने डील किया, 5 पॉइंट्स हमने डील किए और डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस डील किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।